हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो असम रेफल में ज्वाइन करना चाहते हैं, असम रेफल में नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए है जो असम रेफल में नौकरी करते हो, रिक्रूटमेंट से लेके लास्ट आपका जब तक नौकरी करोगे, आपका सर्विस में क्या क्या प्रमोशन होता है, क्या क्या रैंक होता है, उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे चैनल में जो नया है वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं हूं रंजीत और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेटर लेके सेंटर में आते हो, आने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगा। रिक्रूट आपको 9 महीना ट्रेनिंग करना होता है। 9 महीना ट्रेनिंग करने के बाद आप वहां से पासिंग आउट होकर निकल जाते हो। जैसे आपका रिक्रूटिंग खत्म हो जाता है तो आपको एक राइफलमैन रैंक दिया जाता है, राइफलमैन। और राइफलमैन के बाद आपको लेसनाइक, अभी लेसनाइक मिलेगा। लेसनाइक के बाद फिर सर्विस करते रहोगे, आपको कुछ क्लास कैडर वगैरह करना पड़ता है। उसके बाद आपको हवलदार रैंक, 3 फीता का होता है, लेसनाइक 1 फीता का होगा। उसके बाद फिर सर्विस करते जाओ, उसके नेक्स्ट आगे क्लास होता है। क्लास वगैरह पास करने के बाद आपको फिर नैप सुविधा, हवलदार के बाद नैप सुविधा, आपको शोल्डर में 1 स्टार लगेगा और 1 फित्ती लगेगा, हो गया नैप सुविधा। उसके बाद फिर सर्विस में आपको इस हर प्रमोशन में हर रैंक आपको लगाने से पहले आपको मेडिकल भी फिट होना पड़ेगा, आपको मेडिकल भी ट्रीट होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 स्टार लग जाएगा, दो होगा उसमें, वो हो गया सुविधा, ठीक है। इसी तरह सर्विस में आप आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, आपको सर्विस में आगे फिर प्रमोशन होगा। उसके बाद होगा SM, उसको बोलते हैं सुविधा मेजर। एक सिपाही रैंक से, छोटा रैंक से लेके एक रिक्रूट से आपको प्रमोशन होते होते आपको सुबेदार SM तक, सुबेदार मेजर SM तक आप बन सकते हो। तो इस तरह से मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, आप इंटरेस्ट हो, ऑफिसर के लिए ट्राई भी कर सकते हो, SC असिस्टेंट कमांडेंट के लिए डायरेक्ट आपको ऑफिसर रैंक मिलेगा। ऑफिसर रैंक में आपका स्टार लग जाएगा इसमें, तो ऑफिसर रैंक के लिए भी आप वो कर सकते हो। तो इस तरह से असम राइफल में बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़ने के लिए बहुत मौका है। तो आप इस तरह से आप अपने सर्विस ड्यूरेशन में, अपने आप को प्रमोशन में, आगे क्लास में, आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं, अधिक जानकारी के लिए मेरा लिंक पर आके आप चेक कर सकते हो। उसमें से डिटेल में और भी वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें से देख सकते हो। मैं इसी तरह से रिक्रूटमेंट रैली का, फिजिकल इम्प्रूव का हर तरह का वीडियो में बनाता हूँ। आप रिक्रूटमेंट रैली के लिए खुद को तैयारी करते हो, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर रनिंग, तो इस तरह से मैं वो सभी वीडियो बनाता हूँ, तब वो देख सकते हो। थैंक यू।